पावर हाउस बस स्टैंड में बनने जा रहे कमर्शियल हब का स्थानीय व्यापारियों ने विरोध करते हुए जोन आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन दे कमर्शियल हब बनाने के बाद होने वाली परेशानियों से अवगत कराया गया है। साथ ही पावर हाउस का बस स्टैंड के अस्तित्व के खत्म होने की बातें कही गई है। लोगों का कहना है कि वर्षों से यहां रविशंकर शुक्ल मार्केट बना है, यहां निगम द्वारा पर्याप्त व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं कराई गई है। उसके बावजूद व्यापारियों द्वारा समय पर टैक्स का भुगतान किया जाता है। कमर्शियल हब बनने से बस स्टैंड का अस्तित्व समाप्त होने के साथ ही रविशंकर शुक्ल मार्केट के व्यापारियों पर भी इसका असर पड़ेगा। स्थानीय व्यापारी एवं सामाजिक कार्यकर्ता सुमन शील ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। भिलाई में कमर्शियल हब का प्रस्ताव पारित किया गया है, परंतु कमर्शियल हब के नाम पर जो करोड़ों रुपए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार का आ रहा है, उस पैसे को केवल बर्बादी करने के लिए उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि रविशंकर शुक्ला मार्केट जो कि सन 1976 में भिलाई इस्पात संयंत्र के द्वारा बनाया गया था और उसके नक्शे के आधार पर यहाँ के व्यापारियों ने अपने व्यापार को लेते हुए दुकान को खरीदी किया गया, जिसमें कि सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो रविशंकर शुक्ला मार्केट है, यह मार्केट मैकेनिकल और ऑटो पार्ट्स के नाम से जाना जाता है। वही साथ में एक पावर हाउस बस स्टैंड भी है जो 1976 में ही भिलाई इस्पात संयंत्र के द्वारा बनाया गया था, और जबकि भिलाई नगर निगम के द्वारा स्वयं 2005 में जबकि राज्य परिवहन की बसें पूरी रूप से बंद हो चुकी थी, उसके बावजूद भी जनता का करीब करीब 1 करोड़ रुपए खर्च करके इस सामने जो पावर हाउस बस स्टैंड से बनाया गया था, अब जब बस स्टैंड बनाया गया है, आज भिलाई नगर निगम के द्वारा केवल जमीन को हड़पने के लिए और हमारे रविशंकर शुक्ला मार्केट के जो व्यापारी जो अपने चाहे मैकेनिक हो चाहे या ट्रांसपोर्टर के लोग हो जो अपने वाहन को अपने ही दुकान के सामने खड़ा करते हैं, उन्हें हटाने का जो षड्यंत्र किया जा रहा है और उसमें कमर्शियल हब बनाने का जो कार्य किया जा रहा है, वो अति निंदनीय है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह मार्केट जो है पहले से ही कमर्शियल है। जिस प्रकार की अगर अपन देखें तो खुद भिलाई नगर निगम के द्वारा रविशंकर शुक्ला मार्केट पावर हाउस बस स्टेशन के सामने